हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोहन जोशी। मैं आपको अपने आपके फिफ्थ स्टैंडर्ड का एक डेमो लेक्चर देने जा रहा हूँ। सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट ही हूँ। मैं अभी थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हूँ और हम लोग ने एक ऐसा स्टार्ट किया है कि फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ स्टैंडर्ड को हम लोग मैथमेटिक्स सिखाएंगे 4 मंथ में। आपका ये एक टाइप काइंड ऑफ क्रैश कोर्स है जिसमें आपका पूरा पोर्शन लिया जाएगा मैथमेटिक्स का। स्टार्ट टू एंड पूरा पोर्शन दिया जाएगा और एकदम आराम से कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरा पोर्शन 4 मंथ में कंप्लीट कर रहा हूँ इसका मतलब कि भगाऊंगा पोर्शन को, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके सम्स भी बहुत सॉल्व होंगे, कंसेप्चुअल सिखाया जाएगा इधर आपको, एकदम आराम से जाएगा सब कुछ, उसका आप टेंशन मत लो। तो मैं रोहन जोशी, मैं आपको आपके स्टैंडर्ड को, फिफ्थ को और एट्थ स्टैंडर्ड को सिखाने वाला हूँ। और ये पल्लवी गोखले मेरी क्लासमेट है, वो सिक्स्थ और सेवन्थ स्टैंडर्ड को सिखाएगी मैथमेटिक्स पूरा। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ये 4 महीने का क्रैश कोर्स है जिसमें आपका वीकली एक लेक्चर होगा, मतलब मंथ में 4 लेक्चर और 4 मंथ में 16 लेक्चर्स, एक ऐसा सीरीज रहेगा छोटा सा 16 लेक्चर्स का। तो वो 16 लेक्चर्स में आपको पूरा पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा, बाद में आपको एकदम डीपली कंसेप्चुअली सिखाया जाएगा, आपके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी लिए जाएंगे और हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स लेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको पूरा कंसेप्ट आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो हम लोग कवर करेंगे सब। ओके, सो ऐसा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, तो स्टार्ट करते हैं। आपका 4 मंथ अभी पकड़ा है, अभी पता नहीं आपका एग्जाम शायद एक्सटेंड होगा कोविड की वजह से, बट हम लोगों ने 4 मंथ पकड़ा है। तो 4 मंथ में आपका पोर्शन कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कंप्लीट। सो आप टेंशन मत लो, आप आराम से देखो, आप लेक्चर देखो, आपको आपके पेरेंट्स को दिखाओ। आपको पसंद आया लेक्चर तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हम लोग को, मैंने नंबर दिया रखा है इधर अपना और इसका, किसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये जो मैंने लिखा है वो आज के लेक्चर का पूरा फ्लो है। तो अभी इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया आपको। सो हम लोग, मैं एक्चुअली आपको चैप्टर नंबर 3 लेने जा रहा हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्चुअली कैसा है, चैप्टर नंबर 1 और 2 भी इम्पोर्टेंट है बट मेरे पास अभी आपका टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है। मैंने इधर स्क्रीन पे आपका पीडीएफ खोल के रखा है टेक्स्ट बुक का, इसके लिए आपके जो पहले चैप्टर है ना उसमें टेबल विबल है, तो उस टेबल में भरने का है सब वैल्यूज और जो भी है, वो टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन है। सो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता भर की, इसके लिए मैंने चैप्टर नंबर 3 सिलेक्ट किया है ताकि मस्त आराम से हो जाए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसा आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और आप ये स्टैंडर्ड में भी सीखोगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहले आपका रिवीजन होगा एडिशन का, जो आपने अभी तक सीखा है एडिशन वही रिवीजन में होगा। रिवीजन में आपने अभी तक क्या सीखा है एडिशन में, आपने सेम नंबर, मतलब दोनों एडेंट्स है वो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के होंगे, वो आपने सीखा है, वो आप सीखेंगे इधर। बाद में आप सेकंड हम जाएंगे एडिशन ऑफ 6 और 7 डिजिट नंबर्स पे, जिसमें एडेंट्स का डिजिट्स भी अलग हो सकता है नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब अगर फर्स्ट एडेंट आपका 6 डिजिट का रहा, सेकंड 4 डिजिट का हो सकता है, मतलब आप वेरिएशन ऑफ एडिशन सीखोगे इसमें। उसके बाद अपन एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे, एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद हम सब्ट्रैक्शन का रिविजन करेंगे। जैसा आपका एडिशन था वैसा ही सेम सब्ट्रैक्शन, जैसा अभी तक आपने किया है कि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करने का, वो सब्ट्रैक्शन का रिवीजन होगा। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन बड़े नंबर्स के सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन पे वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे। ओके, सो मेरा अभी इधर टेक्स्ट बुक ओपन है आपका, मैं वो हिसाब से आपको सिखाता हूँ। आपके जितने भी प्रॉब्लम सेट है वो मैं लूंगा, मतलब पूरा नहीं करूंगा आज, पर कैसा है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो मैंने साइड पे पेपर पे नोट डाउन करके रखे कि जो आज लेने के। ओके, सो आप वो चैप्टर्स करेंगे, वो सम्स करेंगे। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। ये आप नंबर्स और फ्लो चार्ट ये लिख के लो, मैं अभी पूरा बोर्ड साफ कर रहा हूं। ओके, मैंने दूसरे वाले डेमो लेक्चर में ही बताया वैसा ही करो आप भी। मेरे को कोई सर नहीं बोलेगा इधर, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूं, तो आप मेरे को दादा रोहन दादा, मेरा नाम रोहन है, तो मैं आप मेरे को रोहन दादा, रोहन भैया, जो भी आप आपके बड़े भाई को बोलते हो वो ही मेरे को बोलो। ओके,
सर दिन मत बोलो, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ आपके जैसा। तो आज हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो अभी फ्लो चार्ट में पहला था एडिशन का रिवीजन वो करेंगे। सो बेसिकली एडिशन होता क्या है, आपको अगर आपके पास दो टब्स है, नहीं तो दो बास्केट है, एक बास्केट में 3 बॉल है और दूसरे बास्केट में 5 बॉल है, और आपको बोला कि ये दो बास्केट का आपको एक बास्केट करने का है, मतलब क्या करने का है, आपको एक बास्केट के बॉल दूसरे बास्केट में शिफ्ट करने के, मतलब एक बास्केट के बॉल दूसरे बास्केट में ऐड करने के। तो जब हम एक बास्केट से दूसरे बास्केट में शिफ्ट कर रहे हैं तो एक जो बास्केट बनेगा उसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितने हुए, 5 + 3 = 7, तो उसको एडिशन कहते हैं कि एक चीज को दूसरे चीज में मिलाना, इसको कहते हैं एडिशन। सो रिविजन करेंगे उसमें क्या होगा कि आपको अभी तक आपने जो लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है उसमें आपको सेम नंबर ऑफ डिजिट्स ऐड करने के रहते थे, मतलब 4 डिजिट नंबर रहेगा तो दोनों नंबर 4 डिजिट के रहेंगे। तो उसका हम लोग अभी एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं तो आपको समझेगा अच्छे से। मेरे को वो निकाल ले दो चैप्टर। ओके सो हम प्रॉब्लम सेट डायरेक्ट, क्योंकि आपका बेसिक हुआ है लोअर स्टैंडर्ड्स में, इसके लिए मैं अभी डायरेक्ट प्रॉब्लम पे जंप कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम से सिखाऊंगा कैसा हेल्प करनी। प्रॉब्लम सेट 7 क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। तो आपको पहला प्रॉब्लम है 40,722 आपको ऐड करना है 13,819 में। तो ये दोनों 5 डिजिट नंबर से, तो आपको लिखने का कैसा है वो देखो। अभी आप पहले, अभी इधर 5 नंबर है तो अपन लोग पहले 5 कॉलम ये बनेंगे, 5 का टेबल बनेंगे, 5 कॉलम का एक टेबल बनेगा। तो इधर आएगा 1s प्लेस, इधर आएगा 10s प्लेस, इधर आएगा 100s प्लेस, इधर आएगा 1000s प्लेस और इधर आएगा 10,000 प्लेस, 10,000 का प्लेस। ओके सो अभी हम लोग नंबर लिखेंगे 40,722। आप जब लिखेंगे तो थोड़ा नंबर्स में स्पेस रखिए, नहीं तो आपका जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो थोड़ा वो गड़बड़ ना हो जाए आपका सम सॉल्व करते हो, इसके लिए थोड़ा स्पेसिंग रखिए। उसको हम लोग ऐड करेंगे 13,819। तो ये दो नंबर को हम ऐड करेंगे। तो पहले कभी भी एडिशन राइट साइड से चालू करते हैं, लेफ्ट साइड तक जाता है। तो पहला हम लोग 1s प्लेस को ऐड करेंगे, 9 + 2 होता है 11। तो 11 का एक मिलेगा, पूरा एक टेबल बना दूंगा। सो 11 का 1 इधर आएगा और एक कैरी आएगा, बाद में 2 + 1 3 + 1 4, बाद में 8 + 7 15। तो 15 का 5 इधर आएगा, इधर कैरी आएगा, मतलब हम लोग नेक्स्ट टर्म को, मतलब नेक्स्ट प्लेस को हम लोग कैरी देते हैं कभी भी। अभी इधर हम लोग 1s प्लेस में कैरी जनरेट हुआ तो वो कैरी हम लोग ने 10s प्लेस को दिया, मतलब 9 + 2 11 हो गया। तो 11 का एक 1 इधर जाएगा और एक इधर आएगा,
उसके बाद 3 + 1 4 हो गया और 4 + 1 5 हो गया, तो आपका आंसर आया इसका 54,541। समझा आप लोग को? अभी मैं सेकंड प्रॉब्लम लिखता हूं। अभी आप क्या करेंगे, अब मेरा एक तरीका है सिखाने का, अभी मैं प्रॉब्लम लिखूंगा, आपको एक प्रॉब्लम समझ में आया, मैं प्रॉब्लम लिखूंगा, आप मेरे वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो पॉज करने के बाद आप पहला आंसर निकालेंगे खुद से और फिर वीडियो प्ले करके क्रॉस चेक करो, आपको क्रॉस चेक करने का मौका मिलेगा वीडियो प्ले करके कि आपने बराबर सॉल्व किया है कि नहीं। आपका जब खुद से बराबर सॉल्व होगा ना तो आपको एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने रोहन से फास्ट सॉल्व किया और रोहन से पहले सॉल्व किया। ओके सो ये आप खुद से ट्राई करो, मैं आपको सॉल्यूशन मिलेगा जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करने का है, आंसर लिखने का है, बाद में प्ले करके चेक करने का है। सो हम लोग सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम है 56,427 + 10,648। तो अभी हम लोग प्लेसेस लिखेंगे, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड टेन थाउजेंड्स प्लेस। डिस्टेंस रखेंगे सब में ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। उसके बाद पहला नंबर लिखेंगे हम लोग 56,427 प्लस 10,648। ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 8 + 7 हुआ 15, 5 carry 1, 4 + 2 हुआ 6, 6 + 1 7, 6 + 4 हुआ 10, 0 carry 1, 6 + 1 हुआ 7, 5 + 1 हुआ 6। तो आपका आंसर आया 67,075। और अभी एक प्रॉब्लम आप इसमें से जो थर्ड प्रॉब्लम है आप होमवर्क में सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम नंबर 3 होमवर्क। क्या है ना, आपको मैथ्स में आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आप जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करोगे, तो आपका मिस्टेक भी नहीं होगा एग्जाम में कभी। मैं प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ, 33,216 + 28,540। ओके, सो अभी फिर से हम लोग प्लेसेस लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड्स। पहला नंबर लिखेंगे 33,216 + 28,540। इसका एडिशन लिखेंगे, आप अब वीडियो को पॉज करेंगे, पहला खुद से सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। हो गया रहेगा आपका अभी तक सॉल्व, 1 + 6 + 0 = 6, 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7, 8 + 3 = 11, 11 आया तो 1 carry 1, 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6। तो आपका आंसर आया 61,756। तो आपको एग्जाम में भी यही टेबल टैबुलर फॉर्मेट में आंसर्स लिखने का है ताकि आपका जो पेपर का प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा हो जाए
और आपका भी कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। आपका पहला फ्लो चार्ट का पहला पार्ट हो गया है। मैं टॉपिक का नाम रफ कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए, बोर्ड छोटा है ना इसके लिए। अभी फ्लो चार्ट का सेकंड टॉपिक एडिशन ऑफ 6 and 7 digit numbers। अभी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने सिर्फ एडिशन ऑफ 5 नंबर तक ही सीखा था। अभी आपको एडिशन ऑफ 6 नंबर्स एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो इसमें कैसे रहता है, आपको नंबर, अभी आपका स्टैंडर्ड बड़ा हो गया है, इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट भी ज्यादा रहेंगे। और आपका जो, मैं एक बताना भूल गया, मान लो एक नंबर है 4607, 4678 प्लस 2977। अगर ऐसा एक नंबर है तो इसमें ये जो दो रहते हैं इसको कहते हैं एडंट्स, और इधर जो भी आंसर आएगा उसको बोलते हैं सम, नहीं तो एडिशन। ओके, तो मैं अभी पहले भी बोल रहा था एडेंड्स एडेंड्स, और अभी मैं आगे इन जो डिजिट जो नंबर रहेगा उसको एडेंड बोलूंगा, नंबर नहीं बोलूंगा। सो मैं ये बात कर रहा था कि आपको नंबर ऑफ डिजिट्स भी ज्यादा रहेंगे एडेंड का, और दूसरी बात आपको एक एडेंड अगर 6 डिजिट का दिया है तो सेकंड एडेंड आपका 5 डिजिट का भी रह सकता है। मतलब आपके नंबर ऑफ एडेंट्स इक्वल नहीं होंगे, मतलब पहला जो एडेंट रहेगा उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट है वो दूसरे एडेंट के नंबर ऑफ डिजिट से इक्वल नहीं रहेंगे अभी कभी को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में। तो आपको कैसा सॉल्व करने का है वो मैं अभी बता दूं। डायरेक्ट प्रॉब्लम सेट के ही प्रॉब्लम्स लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। प्रॉब्लम सेट 1 8। अब मैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो ध्यान में रखो, एग्जाम के टाइम वही यूज करना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उसका। पहला प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम सेट का 42311 प्लस 65 लाख। अभी ये आया 7 डिजिट नंबर है, ध्यान से देखो, 65 लाख 36,624। अभी आया बड़ा नंबर। ओके, सो अभी आपको जैसा आपने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में किया था वैसे वैसे नंबर ऑफ प्लेसेस लिखने के, मतलब नेम्स ऑफ प्लेसेस लिखने के, तो पहला आएगा वंस प्लेस, उसके बाद आएगा टेंस प्लेस, उसके बाद आएगा हंड्रेड्स प्लेस, उसके बाद आएगा थाउजेंड्स प्लेस, उसके बाद आएगा 10,000 प्लेस, उसके बाद आएगा लैक, 10,000 के बाद आता है लैक, फिफ्थ डिजिट, फिफ्थ नंबर ये प्लेस, और उसके बाद आएगा सिक्स्थ प्लेस, 10 10 लैक्स। ओके, तो ये टेबल बना दिया। अभी आपको क्या करने का है, जो भी आइडेंट है ना उसको उल्टा लिखने का चालू करने का वंस प्लेस से। ओके, ये ट्रिक हमेशा यूज करो, क्यों यूज करने का मैं बाद में बताता हूं आपको, पर क्या करो, अभी आप जो एरर दिखेगा ना उसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड टेबल में फिल कर देगा। तो अभी फर्स्ट नंबर है 42311, तो मैं इसको उल्टा लिखना चालू करूंगा ये मैनर में ऐसा, और टेबल में भी ऐसा भरूंगा, ऐसा फिल करूंगा टेबल में भी उसको। ओके, सो पहला नंबर है वन, उसके बाद है फिर से वन, उसके बाद है थ्री, उसके बाद है टू, उसके बाद है फोर, उसको ऐड करने का है हम लोग को। फिर से ये नंबर को भी उल्टा भरते जाने का, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड भरते जाओ टेबल में।
मैं क्यों बताता हूँ आपको, आपको लगेगा ये ऐसा क्यों बोल रहा है, उल्टा क्यों करने का, मैं आपको बताता हूँ क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए उनका मार्क्स भी जाता है और बेसिक भी गड़बड़ हो जाता है बेसिक में। तो उल्टा करते जाओ इसमें, फोर उसके बाद आएगा टू, उसके बाद आएगा सिक्स, उसके बाद फिर से आएगा सिक्स, उसके बाद आएगा थ्री, उसके बाद आएगा फाइव और उसके बाद आएगा सिक्स। इधर कुछ भी नहीं मतलब जीरो है। ओके सो अभी ऐड करते जाओ, फोर प्लस वन फाइव, टू प्लस वन थ्री। वीडियो पॉज करो और ऐड करते जाओ और उसके बाद चेक करो बराबर हो रहा है कि नहीं आपका। सिक्स प्लस थ्री नाइन, सिक्स प्लस टू एट, फोर प्लस थ्री सेवन, फाइव प्लस जीरो फाइव एंड सिक्स, सिक्स प्लस जीरो सिक्स। तो इसका आंसर आया आपका 65,78,935। अभी मैं आपको बताता हूँ ये आंसर आया आप सबका, आई होप आपका सबका यही आंसर आया होगा। अभी मैं आपको यही प्रॉब्लम में बताता हूँ, अगर आपने उल्टा नहीं लिखा तो क्या गड़बड़ हो सकता है, और वो अवॉइड करने के लिए मतलब आपको उल्टा नहीं लिखने का है तो सीधा लिखने का है तो भी वो अवॉइड करने के लिए क्या करने का मैं बताता हूँ आपको। सो आपका अगर आपने लिखा कि ओके पहले प्लेसेस लिखता हूँ, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख। ओके सो अगर आपको सीधा लिखने का है नंबर तो आपने ऐसा लिख दिया इधर नंबर 42,311। तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम है आपको, अभी ये नंबर को लिखने का है ना तो इसके नीचे से स्टार्ट करते हैं, सिक्स फाइव थ्री सिक्स सिक्स टू फोर। तो क्या हुआ, जो हंड्रेड्स प्लेस पे है वो आ गया वंस प्लेस पे, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा और आप कौन से भी नंबर के आगे जीरो नहीं ऐड कर सकते हो, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। कभी भी आप कौन से भी नंबर के पहले जीरो ऐड कर सकते हो, आगे जीरो नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि अगर आपने इधर कुछ नहीं मतलब जीरो लिख दिया तो ये नंबर था 42,311 और वो हो जाएगा 42,31,100। ये नंबर हो जाएगा पर वो नंबर है क्या, नहीं है। इसके लिए आप आगे जीरो नहीं ऐड कर सकते हो, पीछे कितना भी जीरो ऐड कर सकते हो नंबर के। So, ये मिस्टेक कॉमनली होता है स्टूडेंट्स का और पूरा आंसर गलत आ जाएगा इसके नीचे का, मतलब ये आंसर निकालने के लायक ही नहीं बचा सर। तो उसके लिए मैं बोला कि उल्टा भरते जाओ ताकि आपका मिस्टेक ना हो, और फिर भी आपको सीधा ही भरने का है तो कभी भी नंबर देखो, जो नंबर में ज्यादा डिजिट्स होगा, नंबर ऑफ डिजिट जो नंबर में ज्यादा होगा वो ऊपर लिखो, मतलब अभी ये 65,36,000 एंड 624 आप पहले लिखो, उससे क्या होगा आपका गड़बड़ नहीं होगा, आगे नहीं जाओगे नंबर के, कुछ भी किया तो आगे नहीं जाओगे। और फिर 42,311 ऐसा एडिशन करो तो फिर आपका आंसर करेक्ट आएगा, जिससे नहीं गड़बड़ नहीं होगा। पर मैं बोल रहा हूँ इतना सा ध्यान रखने से अच्छा है नंबर को उल्टा कॉपी करते जाओ, उससे आपका बहुत ईजी हो जाएगा सर, कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं होगा। ओके So, अभी नेक्स्ट सम पे जंप करते हैं। ये जो मैंने बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो, चाहिए तो किधर नोट करके रखो अपने लैंग्वेज में, जो भी है आप करो, मतलब वो ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ही गड़बड़ होता है। बाकी तो क्या अपने को नंबर्स का एडिशन आता है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता है, पर मेन गड़बड़ इसमें होता है आप जब रिप्रेजेंट करते हो तो गलत रिप्रेजेंट करते हो, इसके लिए कभी भी उल्टा कॉपी करते जाओ नंबर को। तो प्रॉब्लम नंबर थ्री करें, अभी हम ये जो सेट है प्रॉब्लम सेट एट, इसमें टोटल 10 प्रॉब्लम है, उसमें से हम लोग 5 सॉल्व करेंगे, 5 आप होमवर्क में करोगे। सो मैं अभी सब ऑड नंबर के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, 13579 13579, ये मैं सॉल्व करूंगा, आपको 2 4 6 8 एंड 10 होमवर्क में करने का है। मैं इधर लिख देता हूँ होमवर्क, प्रॉब्लम सेट एट का होमवर्क में आएगा आपका प्रॉब्लम नंबर 2 4 6 8 एंड 10। मैं अभी ऑड नंबर के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड पे जंप करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है, सॉरी थर्ड प्रॉब्लम है आपका
12,42,746 प्लस 483,748 सो अभी ये लिख रहा हूं मैं प्लेसेस के नाम 1, 10, 100, 1,000, 10,000 उसके बाद लैक 10 लैक सो अभी पहले नंबर को राइट टू लेफ्ट कॉपी करेंगे 6 बड़ा लिखता हूं जरा आपको दिखेगा 6, 4, 7, 2, 4, 2, 1 इसको ऐड करेंगे इसको भी उल्टा लिखते जाएंगे 8, 4, 7, 3, 8, 4 अभी इसको ऐड करते जाएंगे 8+6 हुआ तो 14 उसके बाद 4+4, 8 14 हुआ तो 4 कैरी इधर गया फिर 4+4, 8+1, 9 बाद में 7+7, 14 4 कैरी 1 बाद में 3+2, 5+1, 6 8+4, 12 सो 2 कैरी 1 4+2, 6+1, 7 4+2 होता है 6 ये ऐड किया कैरी 1 तो होगा 7 हो गया और 1 का 1 इधर आ गया जैसे कि वैसे सो आपका ये हो गया आंसर इसका 17,26,494 अभी प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे अभी आपको 3 नंबर है उसको ऐड करने का है आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 3 नंबर को भी वैसा ही ऐड करने का वही मेथड में लिखते जाओ उल्टा लिखने का राइट टू लेफ्ट लिखते जाने का आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे कितने भी आपको 6 नंबर दिया ऐड करने को भी तो भी आप 6 नंबर ऐड कर सकते हो ओके सो प्रॉब्लम नंबर 5 है ना अभी अपना कितना है 5 ओके सो 2654 प्लस 71,209 plus 5,3,789 ये 3 नंबर दिया है अभी आपको 3 नंबर को ऐड करने का है तो टेंशन लेने का क्या बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का जैसा मैंने ट्रिक बताया वैसा ही यूज करने का एक एक नंबर को उल्टा उल्टा लिखते जाओ अभी फर्स्ट नंबर को हम उल्टा लिखेंगे 4, 5, 6, 2 plus 9, 0, 2, 1, 7 उसके बाद 8, 7, 3, 0, 5 कुछ तो गलत दिखाया मैंने इधर ये नंबर 789 है इधर सॉरी तो ये नंबर हो जाएगा उल्टे में 9, 8, 7, 3, 0, 5 अभी ये तीनों नंबर को अपने को ऐड करने का है 9 plus 9, 18, 18 plus 4, 22 सो 2 कैरी अभी इधर आया 2 अभी तक कभी 2 कैरी नहीं आया था अभी 22 नंबर हो गया तो 2 कैरी 2 लिखने का इधर सो 8 plus 5 हुआ 9, 10, 11, 12, 13, 13 plus 2, 14, 15 तो 15 हुआ तो 1 कैरी 5 सो 6 plus 2, 8, 8 plus 7, 15
और 15 + 1 = 16, तो 6 carry 1, 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6 और 6 + 1 = 7, तो इधर आ गया 2 + 1 = 3 + 3 = 6 + 1 = 7, बाद में 7 का 7 वैसा, 5 का 5 वैसा, तो इसका आंसर आया अपना, देखो कितना इजी हुआ अपने को, जब आपने उल्टा नंबर लिखा तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि वंस प्लेस टेंस प्लेस में कंफ्यूजन ही नहीं होगा, उल्टा नंबर लिखते जाने का, सीधा राइट साइड से लेफ्ट साइड जाने का नंबर लिखते हैं टेबल में। सो इसका आंसर अपना आ गया 577,652। अभी प्रॉब्लम नंबर 7 करते हैं। +14,2,649 कोई टेंशन नहीं लेने का अपने को, राइट कितना भी छोटा नंबर दे कितना भी बड़ा नंबर दे, राइट साइड टू लेफ्ट साइड लिखते जाएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। 524 प्लस 13,749। ओके, सो अभी नंबर को उल्टा लिखते जाओ, 9 पहले नंबर को उल्टा लिख रहा हूं मैं, ये वाले नंबर को 9462041, उसके बाद 425, उसके बाद 9 4 7 3 1 8 2। आपको नंबर्स में थोड़ा स्पेसिंग ज्यादा रखने का है, नहीं तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा नंबर कौन से डिजिट पे था, कौन से प्लेस पे था, सॉरी। अभी इसको ऐड करो, 9 + 9, आप मेरा देखो मत, पहले आप खुद से सॉल्व करो बाद में देखो। 9 + 9 = 18 + 4 = 22, 2 carry 2, 4 + 4 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 2 = 12, 1 carry 2, 7 + 6 = 13 + 1 = 14 + 5 = 16, 17, 18, 19, 20, so 2 carry 0, एक बार चेक करने दो। सॉरी 19 हुआ इधर, 9 carry 1 आया, फिर 3 + 2 = 5 + 1 = 6, उसके बाद 1 + 0 = 1, 8 + 4 = 12, 2 + 1 = 3 + 1 = 4, 2 + 2 = 4 हो गया, तो आपका इसका आंसर आ गया 42,16,922। अभी इसका लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 9। इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद और आपने ये जब होमवर्क करेंगे ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको कौन सा भी प्रॉब्लम कोई भी सर दे आप सॉल्व कर सकते हो। नाइन प्रॉब्लम में है 22 + 6,047, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, +384,527। ओके, सो इसको भी उल्टा लिखते जाने का, 2 2 बाद में 7 4 0 6 7 4 0 6। सिर्फ कॉपी करते वक्त आराम से कॉपी करो, एक बार चेक भी करो बराबर कॉपी किया है कि नहीं, तो कॉपी करते वक्त मिस्टेक हो गया तो पूरा मेहनत जीरो हो जाएगा आपका। फिर 7 2 5 4 8 3, ये नंबर को उल्टा लिख दिया, ये तीनों को अपने को ऐड करने का है। 7 + 7 = 14, 14 + 2 = 16, 6 carry 1, इसके बाद 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 7, 5 + 0 = 5, 6 + 4 हो गया 10, 0 carry 1, 8 + 1 हो गया 9 और 3।
तो इसका आंसर आ गया 3,90,576। सो इधर आपका खत्म होता है डीप वाला एडिशन एकदम। ये वाला आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे होमवर्क वाला और ये सब प्रॉब्लम आपको समझे रहेंगे तो आपका कोई स्कूल में हाथ नहीं पकड़ सकता एडिशन में। होमवर्क लिख के रखो और सॉल्व करो। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन करेंगे। अभी वर्ड प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करते रहोगे ना एकदम ध्यान से प्रॉब्लम को पढ़ने का, पढ़ते वक्त जो भी गिवन है अपने को जो भी गिवन डेटा है वो लिखते जाने का और आपको समझेगा कि टू फाइंड क्या है और सॉल्यूशन लिखने का। ओके सो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम रहेगा तो आप पहले गिवन लिखोगे उसके बाद टू फाइंड लिखोगे। ओके रुको मैं फॉर्मेट बना ही देता हूं इधर। पहले गिवन रहेगा उसके बाद टू फाइंड और इसके बाद सॉल्यूशन। मैं आपको सॉल्यूशन नीचे लिखने का नहीं इधर लिख रहा हूं ताकि आप जब आपको दिखे भी अच्छा और मेरे को लिखने को भी कंफर्टेबली लिख सकोगे और बाद में आएगा सॉल्यूशन। ओके सो अभी आपका क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर पहला पढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट कितना है आपका 9। प्रॉब्लम सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ओके एकदम स्लोली पढ़ेंगे उसके बाद गिवन लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। इन अ सर्टन इलेक्शन 13,47,048 वुमेन एंड 40,29,638 मेन कास्ट देयर वोट्स। उसका मतलब क्या हुआ, एक सर्टन इलेक्शन है वो इलेक्शन में एक सा मतलब 13,47,048 नंबर ऑफ वुमेन ने वोटिंग किया और 40,29,638 मेन ने वोटिंग किया। सो आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड टुगेदर ऑल टुगेदर। उसका मतलब क्या हुआ, आपको टोटल नंबर ऑफ जब भी फाइंड करने का है टोटल नंबर ऑफ जो जब क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ दिस ऑल टुगेदर ऐसा कुछ वर्ड आपको दिखा तो आपको समझ जाने का आपको एडिशन करने का है दोनों का। ओके सो पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है, वुमेन कितने थे और मेन कितने थे। इन अ सर्टन इलेक्शन नंबर ऑफ, पहला गिवन है नंबर ऑफ वुमन पे कितना दिया है अपने को 13,47,048 नंबर ऑफ मेन दिया है अपने को 14,29,638 हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड टुगेदर ऑल टुगेदर। सो आपने एक शॉर्ट इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स। कास्टेड ऊपर नीट लिख दो इधर कास्टेड। So, ये लिखेंगे इधर बाद में सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में अपने को अभी समझ गया कि ऑल टुगेदर दोनों मेन और वुमेन ने मिलके कितने वर्ड्स कास्ट किए तो बेसिकली एडिशन होगा दोनों नंबर्स का। तो दोनों नंबर्स हम लोग लिख देंगे। अभी इधर टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, अपने को अभी टेबल बनाने का आदत हो गया है तो डायरेक्ट लिख देंगे। पहले उल्टा नंबर लिखेंगे जो भी है, सिर्फ लिखते वक्त नंबर्स में थोड़ा स्पेस रखो ताकि कंजेशन ना हो जाए। 8,40,7,4,3,1
प्लस 8 3 6 9 2 4 1. ओके, सो अभी एडिशन करने का, 8 प्लस 8 16, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 7 होता है 16, तो 9 प्लस 7 हो गया 16, 6 कैरी 1, 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 प्लस 1 हो गया 7, 4 प्लस 3 हो गया 7 और 1 प्लस 1 हो गया 2. तो आपको, आप अगर इतना आंसर निकाल के इधर रख देंगे तो आपका एग्जाम में एक मार्क कट होगा. अभी आप बोलोगे मैंने तो सब सॉल्व किया, एक मार्क क्यों कट होगा, तो आपको एग्जाम में फाइनल आंसर लिखने का है देयरफॉर, और फाइनल आंसर को बॉक्स करने का है. फाइनल आंसर आपको बॉक्स में लिखने का है, बड़े वाले एकदम मस्त, आपका प्रेजेंटेशन भी मस्त होना चाहिए एकदम एग्जाम में. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड वर, जो भी आपका नंबर आया वो अपना इधर कितना आया, 27,76,686. सो अपने को ये आंसर लिखने का एक मार्क मिलता है, इसके लिए इधर ही आप अगर छोड़ दोगे सॉल्यूशन के बाद तो आपका मार्क कट हो जाएगा. अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ही देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं एक मिनट में पानी पी के आया, आप होल्ड करो, क्वेश्चन पढ़ो तब तक, और गिवन टू फाइंड लिखो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मैं अभी जस्ट पानी पी के आया. सो अपने को अभी ये सब में क्या दिया है, अपने को ये सब में बोला गया है कि फाइंड आउट द सम ऑफ, हम लोग को बोला गया है कि फाइंड आउट द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर. ओके, सो अपने को यह बोला गया है कि गिवन एक्सर्च ऐसा लिखेंगे नहीं, इधर गिवन क्या, टू फाइंड क्या, ये सब में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपने को ऐसा एक्सर्च डायरेक्ट डेटा दिया नहीं है. अपने को क्वेश्चन में से डेटा निकालने का है ढूंढ के. सो अभी हम लोग कुछ गिवन टू फाइंड नहीं लिखेंगे. आप जरा सोचो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, पॉज करो वीडियो को, सोचो, नोटबुक पे लिखने का ट्राई करो. ओके, सो अभी तक आप लोग ने लिखा होगा शायद ही नंबर. सो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 1 लाख, क्योंकि अगर हम लोग ने 99,999 लिखा तो वो 5 डिजिट नंबर हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर. ओके, सो डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. इस पे प्लेसेस दिखे 1 10 100 1000 10000 और उसके बाद लाख. और अभी लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर सोचो, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, मेरे को एक बताओ, 1 to 9 में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 9, बराबर. सो लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर होगा, 6 डिजिट नंबर होगा 9 9 9 9 9 and 9. इसको हम लोग बोलेंगे 9,99,999, क्योंकि आप इसमें अगर एक नंबर ऐड किया तो हो जाएगा 10 लाख, तो वो हो जाएगा 7 डिजिट नंबर. अपने को क्या बोला है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर का एडिशन बोला है. तो इधर हम लोग ये प्रॉब्लम में कैसा लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये पट्टी ऊपर का नहीं लिखेंगे, ये निकाल देंगे, इधर ऐसा एरो करके लिखेंगे स्मॉलेस्ट, एग्जाम में ऐसा लिख देगा 6 डिजिट नंबर, उसके बाद इधर ऐसा एरो करके लिखेंगे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, और अभी दोनों का ऐड करेंगे एकदम सिंपल. इसका एडिशन तो एकदम सिंपल है, 9 9 9 9 9 प्लस 0 9 9 प्लस 0 9 9 प्लस 0 9, ऐसा इधर तक आएगा और लास्ट में 9 प्लस 1 10 हो गया. तो इसका एडिशन होगा 10,99,999.
सो वो इसको हम लोग लिखेंगे आंसर में वर्ड फॉर्मेट में लिखने का, आप कॉपी करो मैं डिक्टेट करता हूं. देयरफॉर द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर्स इज, देयरफॉर द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर इज 10,99,999. ये एकदम मस्त प्रॉब्लम था, ट्रिकी प्रॉब्लम था, सोचने जैसा प्रॉब्लम था. अभी प्रॉब्लम दो मैंने सॉल्व किया है, और एक सॉल्व करता हूं चाहे तो थर्ड फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं. आप होमवर्क में प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे. सो मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व कर दूं. चलो इसमें गिवन टू फाइंड एंड सॉल्यूशन, ये ऐसा फॉर्मेट में लिखेंगे. अभी क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ेंगे. इफ द गवर्नमेंट गेव रुपीज 34,62,950 वर्थ ऑफ कंप्यूटर्स एंड 3,26,578 वर्थ ऑफ टीवी सेट्स टू अ स्कूल. अभी समझो आपके स्कूल में गवर्नमेंट ने 34,62,950 रुपीस के कंप्यूटर्स दिए और 3,26,578 रुपीस के टीवी दिए आपके स्कूल में अगर गवर्नमेंट में. तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि आपके स्कूल के इक्विपमेंट्स पे, मतलब व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द इक्विपमेंट्स. तो आपको पूछा गया है कि गवर्नमेंट का टोटल कितना मनी स्पेंड हुआ अपने स्कूल पे. ओके सो गिवन में लिखेंगे कॉस्ट स्पेंड ऑन कंप्यूटर्स इक्वल टू रुपीज 34,962 कितना दिया 940 है. प्रॉब्लम कभी कॉपी करते हो दो बार चेक करने का. उसके बाद ये पहला गिवन है. दूसरा गिवन क्या है अपने को, कॉस्ट स्पेंड ऑन टेलीविजन रुपीज 3,26,578. टोटल कॉस्ट स्पेंड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है अपने को. इसके लिए ऐसा लिखेंगे टू फाइंड में टोटल कॉस्ट स्पेंड. तो अभी सॉल्यूशन में क्या है, टोटल अपने को आप अगर एक दुकान में गए, आपने एक पेन खरीदा 10 रुपए का और एक पेंसिल खरीदी 7 रुपए की, तो आपके टोटल कितने स्पेंड हुए, 10 + 7 = 70. तो वैसे ही इधर है, इसको सिर्फ अपने को बड़े नंबर्स को ऐड करने का है, तो जो आप जिसमें आप अभी तक एक्सपर्ट हो गए तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो गए आप इसमें. ओके सो नंबर लिखेंगे 34,62,950 + 3,26,578. अभी मैंने तो सीधा लिख दिया नंबर, पर आप उल्टा लिखो नंबर ताकि इधर मिस्टेक ना हो जाए आपसे. ओके सो 8 + 0 = 8 इसको ऐड कर दो, 7 + 5 = 12, 2 carry 1. उसके बाद एक ओके सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कोई तो आया था तो ओके वो जाने दो. 8 + 0 = 8, 7 + 5 = 12, उसके बाद 9 + 5 हो गया 14, 14 + 1 हो गया 15, उसके बाद 6 + 2 हो गया 8, 8 + 1 हो गया 9, उसके बाद 6 + 2 हो गया 8, 4 + 3 हो गया 7 और 3 + 0 हो गया 3. तो आपको फाइनल आंसर ऐसा लिखने का है, मैं अभी डिक्टेट करता हूँ. देयरफॉर टोटल अमाउंट spent on equipments, therefore the total amount spent on equipments is equal to rupees 37 lakh
89,528 वो आप इधर बॉक्स में लिख ओके। सो इधर अपना एडिशन खत्म होता है क्वेश्चन का। अभी हम लोग जाएंगे बेसिक्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स सब्ट्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। अभी थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि रिवीजन तो अपने को आता है ऑलरेडी। सो अभी अपने हम लोगों ने लास्ट ईयर्स में मतलब प्रीवियस ईयर में ऐसा दिखा रहेगा आपने कि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आपने सब्ट्रैक्ट किए होंगे कि मतलब फाइव डिजिट का एक नंबर है अपने को तो दूसरा नंबर भी फाइव डिजिट का रहेगा। ओके सो अपने को प्रॉब्लम सेट नंबर 10 पे जाते हैं डायरेक्ट क्योंकि अपने को ऑलरेडी आता है, फिर भी मैं प्रॉब्लम थोड़ा धीरे सिखाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉब्लम सेट 9 ना नहीं 10 सॉरी। ओके सो अभी हम लोग करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम, पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप भी इधर होमवर्क अभी लिख देता हूँ। सेकेंड और फोर्थ प्रॉब्लम मैं दो सॉल्व करूंगा और नंबर है। फर्स्ट प्रॉब्लम होगा अपना, अपने को दिया है 64,293 माइनस 28,547। ओके सो अभी जब ऊपर का नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा होगा सॉरी छोटा होगा, जब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा होगा तो अपने को पहले वाले टर्म में से एक बोरो करना पड़ता है। समझिए आप, अपने को याद होगा अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में क्या होगा। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने आपके फ्रेंड से एक पेन लिया, मतलब क्या किया, पेन बोरो किया, तो अपना यूज होने के बाद आप उसको वापस भी करेंगे वो पेन, बराबर। तो ये एग्जाम्पल ध्यान में रखो, अपने अपने फ्रेंड से आपने एक पेन बोरो किया है वो अपने को वापस भी देने का है, वो भूलने का नहीं वापस देने को, क्योंकि फ्रेंड आपको मारेगा फिर भी। ओके सो ये 3 छोटा है 7 से, इसके लिए हम 3 माइनस 7 के वक्त इसको 3 को 13 पकड़ेंगे। मतलब हम लोग ने एक बोरो किया, ये साइड से एक बोरो किया, मैं इधर लिखता हूँ 1 बोरो किया, ऐसा आपको एरो नहीं दिखाने का है, आपको सिर्फ ऐसा ऊपर 1 लिखने का है, राउंड में 1 लिखने का ऊपर अपने को। ये एरो मैंने सिर्फ दिखाया आपको दिखाने के लिए कि 1 बोरो किया। ओके सो 13 माइनस 7 कितना होता है 8 9 10 11 12 13 6 13 माइनस 7 हो गया 6। सो अभी अपना सब्ट्रैक्शन हो गया, काम हो गया, तो हम लोग बोरो जो लिया है वो वापस देंगे, उसको इधर लिख देंगे, जो लिया है उसको वापस दे दिया। सो 9 माइनस 4 कितना हुआ 5 6 7 8 9 5, इसका सब्ट्रैक्शन तो 5 हो गया पर हम लोग ने पहले ही एक बोरो किया था तो वो भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर हो गया 4। समझ रहे हो आप, जो बोरो लिया था वो वापस किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो अभी इधर भी देखो 2 छोटा है 5 से तो 1 बोरो करेंगे, इधर से 1 बोरो किया हम लोग ने। सो 12 माइनस 5 हो गया 6 7 8 9 10 11 12 हो गया 7 7 बोरो 7 हो गया, इसका सब हम लोग का काम हो गया तो ये फिर से वापस दे दिया हम लोग ने, जो बोरो लिया था वो वापस कर दिया। तो इधर भी एक शॉर्ट पड़ रहा है तो फिर हम इधर से भी एक बोरो करेंगे, इसमें इधर से एक बोरो करेंगे तो इसको 14 पकड़ेंगे। 14 माइनस 8 कितना हो गया 9 10 11 12 13 14 14 माइनस 8 हो गया 6, तो इसका आंसर 6 नहीं लिखने का, हम लोग ने पहले बोरो लिया था तो हम लोग को वो 6 में से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और आंसर आएगा 5 और 6 माइनस 2 4। ओके सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 45,746। आई होप आपको समझा होगा, सिर्फ एक एग्जांपल देने लगो कि हम लोग के फ्रेंड से एक पेन लिया है तो उसको वापस भी करने का है, अपना काम होने के बाद वापस कर देने का है, तो वही कंसेप्ट इधर यूज होता है। अभी एक और प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4।
प्रॉब्लम नंबर 3 सॉरी आपको आपको प्रॉब्लम नंबर 4 होमवर्क में दिया है ना. सो 71,540 माइनस 58,628 सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो तो छोटा है 8 से, तो इधर से एक बोरो लेंगे. अभी मैं एरो नहीं दिखाने वाला हूँ आपको समझा है, पहले वाले टर्म से बोरो ले रहे हैं तो 10 हो गया, 10 माइनस 8 हो गया 2, तो जो बोरो लिया था वो वापस कर दिया, तो 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 माइनस 1 हो गया 1. उसके बाद फिर से 5 छोटा है 6 से, तो इधर से एक बोरो लेंगे तो हो गया 15 माइनस 6 हो गया 9. सो जो बोरो लिया था वो वापस कर दिया, पर फिर से इधर 1 छोटा है 8 से, तो एक बोरो लेंगे. तो एक बोरो लिया, बोरो अपने को ऐसा ही मैं जैसा दिखा रहा हूँ वैसा ही लिखने का, ऊपर राउंड में दिखते रहेंगे. ओके सो बोरो लिया 11 माइनस 8 कितना हो गया 3 हो गया, पर जो बोरो लिया था वो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हो गया 2. ओके सो इधर बोरो वापस कर दिया, और 7 माइनस 5 हो गया, जो बोरो लिया था वो वापस कर दिया, तो 7 माइनस 5 हो गया 2, और 2 माइनस 1 हो गया 1. तो उसका आंसर हो गया 12,912. सो ये आपको समझा आएगा, आपको अभी ये जो 2 और 4 प्रॉब्लम है होमवर्क में सॉल्व करेंगे आप. ओके मैं अभी थोड़ा फास्ट जाऊंगा और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम लूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है वीडियो का साइज भी बहुत बड़ा हो रहा है ना इसके लिए, ताकि आपको भी देखने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, बड़ा हो जाए इसके लिए. इसके लिए मैं थोड़ा प्रॉब्लम क्वांटिटी कम लूंगा पर क्वालिटी प्रॉब्लम लूंगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा. फिर अभी हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक पे जंप करेंगे, जो कि था सब्ट्रैक्शन ऑफ 6 एंड 7 डिजिट नंबर्स, 5 एंड 6 डिजिट नंबर्स, सॉरी 6 एंड 7 डिजिट नंबर्स. ओके सो प्रॉब्लम सेट 11 पे जाएंगे. ये सब जानने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा देता हूं, अगर आपको ऐसा लिखा रहेगा किधर भी सब्ट्रैक्ट 829 from 977 इन तो लिख दो. ओके 911 लिख दो शायद सब. ओके 9 अपने को ऐसा इधर किधर ऐसा लिखा हुआ देखा सर, अपने आप लोग ने ऐसा किधर देखा कि सब्ट्रैक्ट 829 from 911, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसा करोगे, ये वाले मेथड से या फिर ऐसा? वीडियो को पॉज करो, सोचो और बताओ ये पहला वाला बराबर है या सेकंड वाला बराबर है. सो आई होप आपको आंसर समझा होगा, पर फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं, ये पहला वाला है वो गलत है. क्यों? क्योंकि आपने को बोला है सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, सो अपने को पास नंबर है 911, समझो ये नंबर है अपने पास, तो अपने को बोला है सब्ट्रैक्ट हाँ ये नंबर 829 फ्रॉम 911. ओके सो जो फ्रॉम नंबर है वो अपने पास ऊपर आएगा, पहला आएगा वो नंबर, क्योंकि वो नंबर है उसमें से अपने को ये निकालने का है. मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बोला आपके पास 10 बॉल है, उसमें से आपको 5 बॉल फेंक देने गए, मतलब दोस्त को देने गए, तो आपके पास बचेंगे 5 बॉल्स, मतलब 10 माइनस 5 तो 5 बॉल बचेंगे. पर मैंने बोला कैसा कि यू हैव टू गिव 5 बॉल्स फ्रॉम द 10 बॉल्स यू हैव विथ यू. सो आपको समझा कि मैंने ऐसा बोला कि यू हैव टू गिव, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में बहुत यूज होगा, मैं अभी बोल रहा हूं, यू हैव टू गिव 5 बॉल्स फ्रॉम 10 बॉल्स विच यू हैव विथ यू. यू लिख देता हूं डायरेक्ट, यू लिख देता हूं. ओके अपने व्हाट्सएप के स्टाइल में यू लिख देता हूं.
ओके सो मैं आपको इधर क्या करने का है ये वाले प्रॉब्लम में, यू हैव टू गिव 5 बॉल्स फ्रॉम 10 बॉल्स विच यू हैव. तो आपके पास कितने बॉल है? 10. उसमें से आप लोग ने 5 दिए, तो बचे कितने? 5 बॉल्स. ये कंसेप्ट बहुत आपको यूज होगा वर्ड प्रॉब्लम्स में. बहुत लोग उल्टा लिखते और गड़बड़ कर देते, पूरा आंसर ही नहीं आता है फिर उनका. इसके लिए ये देखो, फ्रॉम मतलब पहला, जो बाद में दिया वो पहला आएगा, बाद में दूसरा आएगा. अभी हम लोग 5 डिजिट वाला सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, 5 और 6 डिजिट वाला. अभी इसमें 6 प्रॉब्लम्स है, मैं 3 प्रॉब्लम्स करूंगा, 3 आपको होमवर्क करने के. अभी मैं इवन नंबर ऑफ प्रॉब्लम, इवन जो नंबर है वो मैं सॉल्व करूंगा, ऑड नंबर आपको सॉल्व करने के. मतलब आपको होमवर्क में प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने का. मैं प्रॉब्लम नंबर 2 और 2, उसके बाद 4 एंड 6 लूंगा. ओके सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा वीडियो को. ये जो वीडियो है आप अपने पेरेंट्स के साथ देखो, खुद देखो, फिर डिसाइड करो क्लास लगाने का है कि नहीं रेगुलर के लिए. और आप आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में, नहीं तो फैमिली के ग्रुप में, सिर्फ ये जो आपका जो वीडियो दिखेगा उसके नीचे एक शेयर करके बटन रहेगा, वो शेयर कर दो अपने फैमिली के ग्रुप में. ओके, ताकि हम लोग को भी थोड़ा हेल्प हो जाए. फिर सेकेंड प्रॉब्लम लेके आप लोग, प्रॉब्लम है 13 लाख. इसमें भी वैसा लिखेंगे हम लोग कि प्लेसेस लिखेंगे, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, लैक एंड 10 लैक. ओके सो अपने को पहला प्रॉब्लम है 13,17,519 माइनस 10,07,423. सो अपने को अभी इसमें भी उल्टा लिखते जाने का नंबर, जो पहला नंबर दिया है वो पहला आएगा. इसमें हम लोग ऐसा ऊपर नीचे नहीं कर सकते ऑर्डर, जैसा हम लोग ने एडिशन में ऑर्डर ऊपर नीचे किया था वैसा सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल भी मत करो. जो ऑर्डर में दिया है वही ऑर्डर में लिखने का अपने को, सिर्फ राइट टू लेफ्ट लिख दिया. तो पहला आएगा 9,157,131 माइनस 3,247,001. सो अभी 9 माइनस 3 हो गया 6, उसके बाद 1 छोटा है 2 से, तो बोरो करेंगे, ऊपर लिखेंगे बोरो किया ऐसा. अभी मैं जैसा दिखा रहा हूँ वैसा ही अपने को एग्जाम में रिप्रेजेंट करने का है. तो 11 माइनस 2 हो गया 9, जो बोरो लिया था वो वापस कर दिया, वापस किया हुआ बोरो इधर लिखेंगे. फिर 5 माइनस 4 हो गया 1 और 1 माइनस 1 हो गया 0. फिर 7 माइनस 7 हो गया 0, 1 माइनस 0 हो गया 1, 3 माइनस 0 हो गया 3, 1 माइनस 1 हो गया 0. सो आपका आंसर आ गया 31,096. ओके सो दिस वॉज द सब्ट्रैक्शन. मैं अभी आपको और 2 प्रॉब्लम दूंगा सब्ट्रैक्शन के, और बाकी के 3 प्रॉब्लम आपको घर पे करने के. आप प्रैक्टिस करो, मैं वो ही बोल रहा हूँ, आप मैथ्स का जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको ही फायदा है, नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है. प्रॉब्लम नंबर कौन सा? अभी 4th. सो प्रॉब्लम नंबर 4 है 45,43,000 एंड 827 माइनस 12,5,938 है ना? ओके, सो इसमें वही चीज हूँ. अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो आप फर्स्ट जाओगे. ओके सो उल्टा लिखते जाने का, सिर्फ 7,2,8,3,4,5,4 माइनस 8,3,9,5,0,2,1. देखो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बोरो करेंगे
तो हो गया 17 - 8 9, बोरो किया वो वापस दे देंगे, फिर से एक बोरो करेंगे तो 12 - 3 हो गया 9, 9 में से एक गया 8, उसके बाद जो बोरो लिया था वो वापस कर दिया 8, फिर से 8 - 9 नहीं हो सकता तो फिर से बोरो लेंगे 18 - 9 हो गया 9, सो 9 में से जो पहला बोरो लिया था वो कट कर दिया तो हो गया 8 - 1 8 हो गया, फिर से बोरो लेना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि 3 छोटा है 5 से, तो बोरो लिया 13 - 5 हो गया 8, और जो पहले वाला बोरो लिया था वो वापस कर दिया वो भी। देखो ऐसा मिस्टेक होता है, हड़बड़ी में गए तो मिस्टेक हो जाएगा, इसके लिए स्लोली करो। ये जो पहला बोरो लिया था वो वापस कर दिया, फिर से बोरो लिया 13 - 5 हो गया 8 बराबर 8 - 1 हो गया 7, फिर जो बोरो लिया था वो वापस कर दिया 4 - 1 हो गया 3, 5 - 2 हो गया 3, 4 - 1 हो गया 3, सो आपका फाइनल आंसर आ गया 33,37,889। आप जब भी मैं ये दो स्टेप लिखूंगा उसके बाद आपको वीडियो पॉज करने का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपका लेक्चर में ही प्रैक्टिस हो जाएगा और घर पे भी आप प्रैक्टिस करने वाले हो, तो आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे मैथमेटिक्स में। इसका लास्ट प्रॉब्लम लेंगे जो कि है सिक्स्थ प्रॉब्लम, 38,1,230 - 37,54,644. पहले पहला टर्म पहले, बाद में दूसरा, पहले प्लेसेस लिख देते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh, उल्टा नंबर लिख जाने, लिखते जाने का, 3 पहला नंबर पहले, दूसरा नंबर दूसरे टाइम, 1083 माइनस, ये उल्टा लिखेंगे, दूसरा नंबर 8 4 6 4 5 7 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये छोटा नंबर है इसके लिए 1 बोरो किया, 13 - 8 हो गया 8 9 10 11 12 13 5 5, जो क्या बोरो लिया था वो वापस कर दिया, फिर से बोरो लिया 11 - 4 हो गया 7 और 7 - 1 हो गया 6, क्योंकि जो लिया था वो वापस किया उसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर से बोरो लिया 12 - 6 हो गया 6, फिर से गड़बड़ हो गया, देखो ये जो बोरो लिया था वो वापस करना भूल गया मैं, बराबर, तो यही गड़बड़ आपको एग्जाम में नहीं करने गया, 12 - 6 हो गया 6, 6 - 1 हो गया 5, बोरो लिया था वापस कर दिया, इधर फिर से बोरो लेना पड़ा, 1 छोटा है इसके लिए, 11 - 4 हो गया 11 - 4 हो गया आपका 7, 7 - 1 हो गया 6, जो बोरो लिया था वापस कर दिया, इधर फिर से बोरो लेना पड़ेगा, 10 - 5 हो गया 5, 5 - 1 हो गया 4, जो बोरो लिया था वो वापस कर दिया, 8 - 7 हो गया 1, 1 - 1 हो गया 0, 3 - 3 हो गया 0, तो आपका आंसर आ गया 46,565। आपको भी यही आंसर मिला होगा मेरे से पहले सॉल्व किया रहेगा तो, और अभी आपको जो खुशी हो रहा रहेगा ये आंसर देख के वो आपको ही पता है। अभी हम अपने वीडियो के आखिरी टॉपिक पे जाएंगे जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। ओके, सो अभी जैसा मैंने फॉर्मेट बोला था वही फॉर्मेट में करेंगे, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम थोड़े ट्रिकी होते हैं, आपको ध्यान से प्रॉब्लम पढ़ने का है, ध्यान से गिवन लिखने का है, जो टू फाइंड है वो देख के आपको सॉल्यूशन करने का है। ओके, तो प्रॉब्लम से के प्रॉब्लम लेते ही प्रॉब्लम के साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, लास्ट प्रॉब्लम सेट
ये लास्ट प्रॉब्लम सेट नहीं है एक्चुअली, इसके बाद एक और प्रॉब्लम सेट है जिसमें सब अभी तक आपने जो हम लोग ने जो किया उसका मिक्सचर रहेगा, तो वो प्रॉब्लम सेट आपको घर पे खुद से ट्राई करने का है, जितना हो सके उतना सम सॉल्व करो, उतनी उसमें से आपको सब सम्स आएंगे, मैं लिख के देता हूँ। प्रॉब्लम सेट 12 जो कि हम लोग के वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ मैं। उम्र में आपको आएगा 2 प्रॉब्लम्स, मैं अभी 3 प्रॉब्लम करूंगा, इसमें अभी आपको उम्र में लेता हूँ प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 4, ओके। सो मैं अभी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखता हूँ। गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है और सॉल्यूशन। सो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट करेंगे हम लोग, अभी पढ़ते हैं प्रॉब्लम। प्रथमेश वांट्स टू बाय अ लैपटॉप वर्थ 27,450 रुपीस। ही हैज 22,975 रुपीस। व्हाट इज द अमाउंट ही स्टिल नीड्स टू बी एबल टू बाय द लैपटॉप। सो आपको दिया है प्रथमेश को एक लैपटॉप लेने का है जिसका प्राइस है, प्राइस ऑफ पहला गिवन लिख देने का, प्राइस ऑफ लैपटॉप which is equal to 27,450 rupees. उसके बाद second given, he has 22,930। तो प्रथम इसको लैपटॉप लेने का था 27,450 rupees का, पर उसके पास है सिर्फ 22,975 rupees। प्रथमेश has rupees 22,975। ओके, एक्चुअली कैसा है अपने आपके जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें क्या किया है, डायरेक्ट जैसा हम लोग ने सब्ट्रैक्शन किया है ना वैसा ही नंबर लेके सब्ट्रैक्ट करके साइड में लिखा है कि जो मैंने लिखा है प्राइस ऑफ लैपटॉप, उसके बाद प्रथमेश के पास कितना पैसा है वो ऐसा लिखा है, बाद में इधर नीचे लिखा है जो भी टू फाइंड रहेगा वो ऐसा लिखा है। तो ये फॉर्मेट आपने को नहीं लिखने का है ताकि क्या होता है गिवन टू फाइंड इसके इस वो ये प्रेजेंटेशन दिखता भी अच्छा है और आपका कंफ्यूजन कम होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। मैं मेरे स्कूल टाइम में ऐसा ही लिखता था यही फॉर्मेट में। तो आपने को अभी बोला क्या है कि प्रथमेश को कितना रुपया और जमाना पड़ेगा नहीं तो कमाना पड़ेगा लैपटॉप खरीदने के लिए, मतलब ये नंबर और ये नंबर में कितना डिफरेंस है, उसको कितना डिफरेंस कोप अप करने का है, कितने डिफरेंस उसको भरने का है, मतलब आपको क्या करने का है ये नंबर को ये नंबर से सब्ट्रैक्ट करने का है, जो भी आंसर आएगा उतना पैसा प्रथमेश को जमा करने का है ये करने के लिए। अभी मैं आपको छोटे नंबर से एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको एक नोटबुक खरीदने का है जो कि है 40 रुपए का, पर आपके पास आपका पॉकेट मनी है 35 रुपीज सिर्फ, ओके समझो आप, मतलब इतना कम नहीं समझो कि आपका पॉकेट मनी 35 रुपीज है, तो आपको बुक लेने का है नोटबुक खरीदने का है वो जो 40 रुपीज का है, तो आपको आपके पापा से कितने रुपए मांगने पड़ेंगे ताकि आप नोटबुक खरीद सको, तो वो होगा 5 रुपीज। बराबर आपको आपके पास 35 रुपीज है, आपके आप जो बुक है वो 40 रुपए का है, तो आपको कितना रुपीस चाहिए, तो वो उसके लिए आप पापा के से ज्यादा है 5 रुपए मान लोगे, तो 5 रुपए आया किधर से, 50 माइनस 35 किया तो 5 रुपीज आया। तो वही ये प्रॉब्लम में दिया है सिर्फ नंबर बड़ा है, तो प्रथमेश को जो लैपटॉप चाहिए वो इतने रुपीस का है पर उसका पॉकेट मनी सिर्फ इतना है, तो उसको पापा से कितना रुपया मांगना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उतना वो मांगेगा पापा से, ओके। सो टू फाइंड ऐसा नहीं लिखने का, टू फाइंड में पापा से कितने रुपए मांगेगा जो पूछा है वो लिखने का टू फाइंड में। अमाउंट ही स्टिल नीड्स टू एबल, अमाउंट नीडेड टू गेट लैपटॉप,
ऐसा आप मेरे को टू फाइंड लिखने का है। ओके तो सॉल्यूशन क्या आएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले ही, 27,450 माइनस 22,975। सो ये नंबर छोटा है, आपको सब्ट्रैक्शन तो अभी तक आता रहेगा एकदम, तो इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। 10 जीरो छोटा है 5 से, इसके लिए 10 5 दिया वापस, फिर से बोरो लिया, 15 माइनस 7 हो गया, 15 माइनस 7 हो गया दादा 8 माइनस 1 हो गया 7, उसके बाद ये वापस कर दिया, फिर से बोरो लिया, 14 माइनस 9 हो गया 8 9 10 11 12 13 14 7, और 7 में से 1 दिया तो हो गया 6 सॉरी 14 माइनस 9 हो गया 5 में से 1 गया 4, इसके बाद जो लिया था वो वापस दे दिया, 7 माइनस 2 हो गया 5, 5 माइनस 1 हो गया 4, 2 माइनस 2 हो गया 0। इसका आंसर आपको ऐसा लिखने का, देयरफॉर अमाउंट नीडेड टू बाय लैपटॉप इज रुपीज 4,475। ऐसा आपको इसमें लिखने का, नहीं तो एक मार्क जाएगा जैसा एडिशन में बताया था मैंने। एक मिनट मैं देखता हूँ कितना वीडियो हुआ। सो प्रॉब्लम नंबर 3 ना, 3 का मैंने गलत लिख कर दिया। चलो प्रॉब्लम पढ़ते हैं अभी। इन अ सर्टेन सिटी द नंबर ऑफ मेन इज 16,37,856 एंड द नंबर ऑफ वुमेन इज 16,52,978। तो अभी आपको इसमें से पहले पूरा प्रॉब्लम पढ़ते हैं। बाय हाउ मेनी Does the number of women exceeds the number of men? तो आपको पहले सबसे पहले मतलब क्वेश्चन में दिया ही है वैसे भी, फिर भी आपको सबसे पहले डिसाइड करने का कौन सा नंबर बड़ा है, मेन का नंबर बड़ा है कि वुमेन का नंबर बड़ा है। तो इसमें वुमेन का नंबर बड़ा है मेन से, टोटल नंबर ऑफ वुमेन आर मोर देन टोटल नंबर ऑफ मेन। सो अपने को निकालने का है बाय हाउ मेनी नंबर, बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ वुमेन एक्सीड्स द नंबर ऑफ मेन। So, कितने वुमेन ज्यादा है वो निकालने के लिए, तो वो निकालने के लिए हम लोग को फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वुमेन को सब्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ मेन को सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ वुमेन में से, तो अपने को जो मिलेगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ जो नंबर मतलब टोटल नंबर दैट एक्सीड्स। ओके सो पहले गिवन लिखेंगे नंबर ऑफ वुमेन हो गया कितना बताया, पहला गिवन है नंबर ऑफ मेन, पहले गिवन ना आपको प्रॉब्लम के हिसाब से लिखने का, सर अपने को भले ही प्रॉब्लम अच्छे से समझा होगा पर अपने को जो आपका पेपर चेक करेगा उसको ऐसा दिखाने का है कि हम लोगों ने पूरा प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व किया, अपना आपका जो अप्रोच है वो उसको दिखना चाहिए। सेकेंड है नंबर ऑफ वुमेन, वो दिया है 16,52,978। टू फाइंड अपने को ये करने का है कि बाय हाउ मेनी डज द नंबर ऑफ वुमेन एक्सीड द नंबर ऑफ मेन, पूरा स्टेटमेंट लिखो जो लास्ट लाइन है पूरा लिख दो टू फाइंड में। सॉल्यूशन है अपने को मालूम है कि नंबर ऑफ वुमेन ज्यादा है, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था ना पेन आपको नोटबुक वाला वही ध्यान में रखो कि आप वही एग्जांपल ध्यान में रखो सिर्फ नंबर बड़ा है। ओके सो इधर नंबर ऑफ वुमेन बड़ा है तो ऊपर आएगा 16,52,978, उसके बाद नंबर ऑफ मेन आएगा 16,37,856, इसको सब ट्रैक कर देंगे तो अपने को जो नंबर मिलेगा वो आपका आंसर रहेगा।
8 माइनस 6 हो गया 2, 5 माइनस 7 हो गया 2, 9 माइनस 8 हो गया 1, फिर इधर बोरो लेना पड़ेगा, 12 माइनस 7 हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 5, जो बोरो लिया था वो वापस कर दिया, 5 माइनस 3 हो गया 2, 2 माइनस 1 हो गया 1, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, सो इतना 15,122 वुमन वो सिटी में ज्यादा है मेन से, ओके अभी अपना आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के, लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करो पूरा जो मिक्सर ऑफ सम्स है, और ये जो नंबर जो दे जा रहा हूँ मैं राइट साइड में वो भी नोट डाउन कर दे लोगों और वो सॉल्व करो, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यूज द नंबर्स 20 लास्ट वाले में पढ़ रहा हूँ मैं प्रॉब्लम नंबर 5। Use the numbers 23,849 and 27,056 to make a subtraction problem. Solve the problem. एकदम straight forward problem है। आपको दो number दिया है, आपको बोला है कि subtraction form करो उसमें से। तो अभी आपको उसने क्या बताया? इसमें फिर से ये given to find mean कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको direct straight forward बोल दिया है उसने। दो नंबर दिए है उसका सब्ट्रैक्शन करने का है। अभी आपने को दो उसने क्या किया आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा है। सो कुछ लोग क्या करेंगे, पहला नंबर लिख देंगे 23 कुछ तो है, 23,000 कुछ तो है, दूसरा नंबर 27,000 कुछ तो है, तो ऐसा लिखा तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या करने का है, जो बड़ा नंबर है वो ऊपर लिखने का है, क्योंकि कभी भी सब्ट्रैक्शन में ऊपर बड़ा नंबर आएगा नीचे छोटा नंबर आएगा, मतलब जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो बड़ा रहेगा, दूसरा नंबर रहेगा वो छोटा रहेगा। So, अपने को जो नंबर दिए वो लिख देता हूं मैं, 27,056 मेक अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम बोला है, डायरेक्ट आपको बोला है सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम बना, 23,849 इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, पॉज करो सब्ट्रैक्ट करो आंसर निकाल दो, पहले बोरो किया एक 16 माइनस 9 हो गया 10 11 12 13 14 15 16 7 जो बोरो लिया था वो वापस कर दिया, उसके बाद 5 माइनस 4 हो गया 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, उसके बाद फिर से एक बोरो लिया 0 छोटा है इसके लिए तो हो गया 10 माइनस 8 2, जो बोरो लिया था वापस कर दिया, बाद में 7 माइनस 3 हो गया 4 बराबर, 7 माइनस 3 हो गया 4 6 हो गया बराबर, और 7 माइनस 3 हो गया 5 और 5 माइनस 1 हो गया 4 और 2 माइनस 2 हो गया, वो क्या हो रहा है मालूम है क्या आपको, एक बात बता दो, मैं थोड़ा गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि ना अभी 12th के बाद हम लोग को कैसा रहता है, 12th तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है, सब आपको ओरली करना पड़ता है, तो तब तक तो आदत था सब्ट्रैक्शन का, पर अभी क्या हुआ है हम लोग का फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर थी, 3 साल हम लोग को कैलकुलेटर का इतना आदत हो गया ना कि थोड़े नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, पर आप तो समझदार हो होशियार हो, कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा पिछले वाले प्रॉब्लम में तो माफ कर दो मेरे को, पर आपको प्रोसेस समझा रहेगा ना तो मैं खुश हूं। तो आपका फाइनल आंसर हो गया ये प्रॉब्लम का, और इधर आपका खत्म होता है ये लेक्चर, आपका जो पूरा चैप्टर है वो ये डेमो लेक्चर में मैंने कवर अप कर लिया है, ओके। सो वाइंड अप करने से पहले एक बार देख लो, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, और मैं आपको अपना फी स्ट्रक्चर जो है अपने रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो गए 23rd of November और उसका फी स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा 3,000 rupees पर मंथ फॉर 5th standard एंड 6th standard एंड रुपीज 400 पर मंथ फॉर स्टैंडर्ड 7th एंड स्टैंडर्ड 8th। ये जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही रीजनेबल फीस में मैं आपको मैथ सिखाने वाला हूँ, फीस थोड़ा ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग का भी मेहनत है इसमें, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट्स है, हम लोग को भी टीचिंग लाइन एक्सप्लोर करने का है, तो आपको आई होप आपको समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, और आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, आप प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपका कंसेप्ट अभी बहुत स्ट्रांग हुआ रहेगा, आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा बहुत स्ट्रांग हुआ रहेगा, जो मैंने होमवर्क दिया वो सॉल्व करो प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके, मेन वुमेन परफेक्ट, ओके, सो प्लीज आप प्रैक्टिस करो और आराम करो, कोविड का टाइम है, घर पे बैठो, ज्यादा बाहर मत जाओ, आपका खुद का केयर ले लो, आई होप आप सब सेफ हो गए घर पे, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इंक्वायरी जो आपको अगर अच्छा लगा हुआ लेक्चर तो जो पहले कॉन्टेक्ट दिया था उस पर कॉल करो और आपका रजिस्ट्रेशन करवा लो, ओके, थैंक यू सो मच।